आप ध्यान से साउंड को सुने, अगर आप सुन सकते हैं। अगर इस कैमरे की क्वालिटी अच्छी होगी माइक की, तो झिंगूर की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, और इतनी तेज ये साउंड है कि पूरा जंगल इस समय झिंगूरों की आवाज़ों से गूंज रहा है। अभी मैं बागथन से निकला हूँ, और बागथन से अब मैं जा रहा हूँ बनेठी। बनेठी मशहूर है अपने सरकारी गेस्ट हाउस के लिए, और वहाँ पर बने एक ट्रैक के लिए जिस पे आप पैदल वॉक कर सकते हैं लंबी। तो लगभग अभी 10-15 किलोमीटर मुझे और चलना है, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और तब तक थोड़ा रास्ते का व्यू देखें। बहुत आनंद आ रहा है, और इस आनंद में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि ये देखिए घने काले घनघोर बादल ऊपर से एकदम से आना शुरू हो चुके हैं। लगता है अब अच्छी खासी बारिश होगी, और बारिश को भी एंजॉय करेंगे। आते हुए रितु जी ने ज़बरदस्ती मेरे बैग में एक छोटी सी छतरी डाल दी थी, मैं मना भी कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं रखो, काम आएगी। और मुझे लगता है कि लेडीज़ की सिक्स सेंस वाकई बहुत अच्छी होती है, और अब ये बारिश निश्चित ही होगी, तो थोड़ा सा उसको एंजॉय करेंगे। अगर ज़्यादा हुई तो छतरी करके बैठ जाएंगे कहीं कोने में। तो अभी मैं बनेठी में गेस्ट हाउस पे पहुंच चुका हूँ। ये गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, यहाँ पर आप आकर रुक सकते हैं। हालांकि इसकी प्री बुकिंग करानी पड़ती है ऑफिस में फ़ोन के द्वारा, नेट के थ्रू, और 1120 यानी कि 1120 रुपये इसके वन डे चार्जेस हैं। और ज़्यादा जानकारी आप वेबसाइट से इनके ले सकते हैं। और अभी मैं रेस्ट हाउस में मैनेजर, मेरा जो बड़ा बैग था वो मैंने यहाँ के मैनेजर के पास उनको बोल के रख दिया है। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा अपना ट्रैक। 7 किलोमीटर लॉन्ग ये ट्रैक है, जंगल का पैदल रास्ता है, और कहते हैं बहुत सुंदर रास्ता है। मैं अभी पहली दफ़ा ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा लगता है। ये मेरे पीछे रेस्ट हाउस है, और ये इसकी सराउंडिंग्स हैं। देखिए ये इसके साइड्स में है, वॉक करने के लिए अच्छी जगह है, और चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। तो जो ये रास्ता देख रहे हैं आप नीचे वाला, यही ट्रैक है, और ऊपर ये रेस्ट हाउस का रास्ता है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इको टूरिज्म नेचर ट्रेल बनेठी टू जमटा फॉरेस्ट डिवीज़न 7 किलोमीटर नेचर वॉक। सो जमटा तक ये रास्ता पैदल जाता है, देखते हैं कैसा रहता है। क्योंकि रेनी सीजन है, तो इसलिए खूब वनस्पति दोनों तरफ ट्रैक की लगी हुई है, खिली हुई है, काफ़ी जगह फूल भी खिले हुए हैं, और साथ ही साथ बारिश के कारण ट्रैक थोड़ा डिस्टर्ब भी है, बट दिस इज लाइफ। ट्रैक के दोनों तरफ अगर कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ एक ही चीज़, और वो है ट्रीज़ एंड ट्रीज़। बहुत बड़ी मात्रा में घने जंगल में ये वृक्ष आपको चारों ओर हमेशा दिखाई देंगे।
और क्योंकि ये रूटीन रास्ता नहीं है, कभी कोई भूला भटका मेरे जैसे यहाँ पर कोई आएगा और ट्रैक करेगा, इट्स नॉट द कॉमन वे, यह आम रास्ता नहीं है, इसलिए इसकी इतनी केयर नहीं है। तो जंगली रास्ता होने के कारण यहाँ पर अगर कोई रास्ता ख़राब है तो वो ख़राब ही रहता है, अपने आप ही ख़राब हो जाता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है। ट्रैक का रास्ता बिल्कुल सिंपल नहीं है, बीच बीच में ऊपर चढ़ाई आ रही है। और ये देखिए द वेदर सो कूल। और आपको मैं बता दूं, ये बनेठी जो रेस्ट हाउस है और जो ये ट्रैक है उसके साथ, ये जगाधरी यमुनानगर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप गाड़ी में आते हैं तो 2-2.5 घंटे में आप यमुनानगर से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम इंसान कहीं भी जाएं, लेकिन अपनी सभ्यता के चिन्ह हम हर जगह छोड़ते हैं, जैसे ये चिप्स का रेफर। बेटर कि जब भी हम आएं ऐसे इसको थ्रो करने के बजाय अपने बैग में ही रख लें और घर जाके अपनी डस्टबिन में डाल दें। देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वेदर और भी अच्छा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं मिस्ट कैसे पेड़ों के बीच में से निकल रही है। और ये ट्रैक देखिए, और ये मेरे पीछे का भी देखिए। यहाँ आसपास दोनों तरफ खेत भी हैं, ऊपर जंगल नीचे खेत, और ये हमारी वॉक करने के लिए मार्ग, पैदल मार्ग। और यही ट्रैक अगर आप सीधा चलते चले जाएंगे तो जमटा निकल जाएंगे। ये देखिए मक्की के खेत और सामने जंगल, और जंगल में बनाए छोटा सा घर, और ये ट्रैक। स्वर्गिक नज़ारा, बादल की तरह धुंध चारों तरफ उड़ती हुई, ये लिली के फूल, वो चमेली के फूल, और ये वृक्ष, और ये रास्ता। आज 4th of September है, टाइम हुआ है 12:25:02, और मौसम हसीन है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, उल्टा ठंडक है वातावरण के अंदर। अभी मुझे गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि कई बार यहाँ ट्रैक्स पर आसपास के जंगल से गिद्दड़, माहे, इस प्रकार के जीव आ जाते हैं। और वो आते इसलिए कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो पॉन्ड्स हैं पानी के, पानी पीने आते हैं, खासकर रात के समय और अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं लेकिन शेर चीते नहीं है। मैं लगभग 3-3.5 किलोमीटर ट्रैक में चल चुका हूँ, और हैरानगी की बात है कि इस जंगल में भी कहीं कहीं इक्का दुक्का छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और मुख्य सड़क से तो ये मार्ग अभी बहुत ही दूर है, फिर भी यहाँ कहीं कहीं छोटे छोटे घर बने हुए हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए घर। शांत, सुकून भरा वातावरण,
स्वर्ग जैसा एहसास, हल्की धूप, कहीं छाया, कहीं बादल, कहीं धुंध, कहीं वृक्ष, कहीं मार्ग, इन सभी चीज़ों का मिला जुला स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मुझे चलते चलते लगभग 5 किलोमीटर हो चुके हैं, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तो शुरू किया था, अभी 5 किलोमीटर भी हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आनंद में भी हूँ। बीच में कभी जब ज़्यादा दिल करता है तो मैं आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, घंटे बाद कैमरा ऑन करता हूँ, वरना मैं अपना एंजॉय भी कर रहा हूँ प्रकृति के साथ जीने के लिए, ताकि मैं केवल रिकॉर्डिंग में ही ऑब्सेस्ड होकर ना रह जाऊँ, बल्कि इस जन्नत में जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ उसको एंजॉय भी कर सकूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए कैक्टस जो हमारे घर में गार्डन में हम लगाते हैं, यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, इसके ऊपर चलकर वो जो ऊपर छोटा सा मंदिर बना है, अब मैं काफ़ी चल चुका हूँ तो मेरा दिल कर रहा है थोड़ा बैठ जाऊँ और थोड़ा ध्यानस्थ हो जाऊँ। तो थोड़ी देर के लिए अब मैं मेडिटेशन करूँगा।